तो टाइम हो चुका है 11:10 कम, यानी कि 10:50, और 11 ही बजने वाले हैं। सो नाश्ता करके अभी जस्ट बैठा हूँ, तो अब मैं करने जा रहा हूँ ब्लॉग एडिट, क्योंकि मैं भूल गया था कि ब्लॉग भी डालना, क्योंकि मैंने कल ब्लॉग शूट किया, क्योंकि एक्चुअली हैबिट में नहीं रहा ना, बहुत टाइम से मैंने किया नहीं, सो इस वजह से। बट अभी कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत जल्द बहुत अच्छे कॉन्टेंट आएंगे। सो अभी चलते हैं जल्दी से, ब्लॉग एडिट करते हैं, डेटा ट्रांसफर करते हैं, चलो लेट्स गो। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, सो गाइस अभी सडनली चेंज हो गया, मैं आपको मिला था अभी सुबह, उसके बाद मैंने व्लॉग एडिट किया, व्लॉग एडिट करके मैंने फिर फ़ोन आया, एक प्लान बना हमारा 1 घंटे के अंदर, और फिर मैंने खाना वाना खाया, आज फ्राइडे था, नमाज़ पढ़ खाया, सारे काम निपटा एकदम, और फिर रेडी हो गया, और अब मैं निकल रहा हूँ घर से। समीर आ गया चिंगी पिक करने, मैं आपको रिश्ते बताऊँगा कहाँ जा रहे हैं, लेट्स गो, सब कुछ रख लिया सामान। तो गाइस फाइनली गाड़ी आ चुकी है, हम लोग भी आ चुके हैं, दिस इज़ माई फर्स्ट ट्रिप इन द थार, ये भी न्यू थार है समीर भाई के अपने, सो पहली ट्रिप है और प्लान काफ़ी लंबा है, सो साथ रहना और होपफुली ब्लॉग अच्छा लगा आप लोगों को। अभी जस्ट निकले हैं शहर से, टाइम हो चुका है 3:30, सो चलते हैं आगे, मेरा सफ़र आपके साथ शेयर करूँगा, अभी मिलवाता हूँ आपको कौन कौन है अंदर, ठीक है। गए हमारे साथ समीर भाई, यूसुफ और अलतमज भाई अपने, ठीक है, गिटार भी लेके जा रहे हैं हम, तो बहुत मज़ा आने वाला है स्ट्रीट पर फाइनली, और यहाँ कुछ चेकिंग वगैरह चल रही है इलेक्शन की वजह से, तो रोक रखी है गाड़ी, सो चल रहे हैं, अभी निकल रहे हैं यहाँ से, टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट 4, सो निकलते हैं, लेट्स गो। तो गाइस अभी हम लोगों ने एक ब्रेक लिया है चाय का, हम पहुँचे अभी चिड़ियापुर, हम उससे रुकवाते हैं अपना, मस्त आराम चल रहा है, अभी सफ़र बहुत बड़े हो रहा है, सूरज ढलने वाला है थोड़ी देर में, उसके बाद फिर और मज़ा आ जाएगा, सो अभी यहाँ रुके हैं चिड़ियापुर में ढाबे पे, हिमालय ढाबा, चाय ऑर्डर किया है, चाय पी जाए पहले, ठीक है। चाय ब्रेक हो गया कंप्लीट, और अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे जल्दी ही, सो दूसरी गाड़ी भी आ गई, लेट्स गो। अभी हम लोग हरिद्वार में एंटर हुए थे, सो हमें रोक लिया था क्योंकि इलेक्शंस का टाइम चल रहा है, तो सब बैग वैग चेक किए, पूरी गाड़ी चेक की, तो हमारा तो कुछ सीन है ही नहीं, तो हम लोग तो मस्त जा रहे हैं, चेकिंग से निकल गए, चलते हैं आगे, अभी फिलहाल शाम हो गई है, टाइम हो गया है 6:01, 6:41 हो गए, तो अंधेरा होने वाला है, तो चलते हैं जल्दी से, काफ़ी लेट है हम लोग, अभी हो चुके हैं 7:30, पिछले 1 घंटे से हम लोग जाम में थे, तो हमारे साथ जो दूसरी गाड़ी है क्रेटा, वो लोग अभी भी जाम में है, तो हम रुक गए हैं, थोड़ा वेट कर रहे हैं, जैसे ही वो लोग आएंगे फिर निकलेंगे, फिलहाल हमें ऋषिकेश में अपने आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे, मज़ा आ रहा है, बट थोड़ा जाम ने थोड़ा स्पॉइल कर दिया, बट यह कि अच्छी है जर्नी, थार का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया चल रहा है, तक बाकी पहाड़ों में देखेंगे, आ रहा है मज़ा, बहुत बढ़िया, चलो गाड़ी हमने अभी पार्किंग में लगा दी है, हम लोग ऋषिकेश आए हैं, थोड़ा सा यहाँ पे घूमेंगे फिरेंगे, थोड़ा फ्रेश होंगे क्योंकि कंटिन्यूसली ट्रैवल कर रहे हैं और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, सो बस अब यहाँ से फिर रात को निकलेंगे आराम से, क्योंकि रात में सफ़र करना है तो रात अपनी है, तो इन्जॉय करिए, अभी चलते हैं घाट, मेरा फर्स्ट टाइम है। मेडिसिन ली है और चाय पिएंगे, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, ठंडा ठंडा हवा चल रही है, घाट से जाके फिर से बैठेंगे, हो रहा है ऑलमोस्ट 10:15, और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, हम लोग अच्छे घूम लिए, फ्रेश हो गए हैं, सो अभी गाड़ी रेडी है अपनी, सो लेट्स गो, अब हमें जाना है 244 किलोमीटर स्ट्रेट। व्यू देख के हम रुक गए, तो अभी हम लोग रास्ते में व्यू देख के रुके हैं, बहुत प्यारा व्यू है, मैं आपको दिखाता हूँ, फिलहाल हम लोग चंबा रोड पर, मज़ा आ रहा है ड्राइव करने में, बहुत ही प्यारी रोड है, एकदम खाली बेहतरीन, ये पूरा व्यू कितना ही प्यारा लग रहा है आंखों से, मैं आपको बता नहीं सकता। हमने ले लिया अभी एक पावर नैप, कितने बजे सोया मैं, 15 मिनट 15-20 मिनट का पावर नैप लिया हमने,
थोड़ा फ्रेश हो गया हूँ और अब मैगी खाएंगे। और टाइम क्या हो रहा है भैया? 2:20। सुबह का हो रहा है 5:30 और सीन देख सकते हैं आप कितना प्यारा है। हर सीट रह गया सिर्फ 80 किलोमीटर्स। बहुत ही अच्छा सफ़र रहा। बाकी मिलते हैं आपको भी आगे जाके, डिस्टेंस कवर करते हैं जल्दी से। गाइस आप ऑलमोस्ट देख सकते हो सनराइज होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। बहुत बहुत प्यारा नज़ारा आ रहा है। अभी हम लोग उत्तरकाशी क्रॉस करके खड़े हुए हैं, अपना डिस्टेंस बस 70 कुछ रह गया है। उन्होंने ना मतलब 1 घंटे का ब्रेक ले लिया था गाड़ी रोक के, थोड़ी देर सब सो गए थे बट मैं सो नहीं पाया, ना समीर सोया, बाकी सब लोगों ने नींद निकाल ली और अभी नींद निकाल रहे हैं। तो हम लोग तो होटल पे ही जाके स्टे करके फिर सोएंगे, मस्त नींद पूरी करेंगे, फिर घूमेंगे अपना एक्सप्लोर करेंगे। बाकी ट्रैवल बहुत अच्छा और डिस्टेंस बहुत अच्छा कवर हुआ हम लोगों ने, काफ़ी हद तक रात रात में डिस्टेंस कवर कर लिया। हाँ जी कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया, दोनों गाड़ी मस्त चल रही है। मतलब ट्रैफिक नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं मिली भाई। अब जाके एक दो गाड़ी दिखनी शुरू हुई है सुबह में, नहीं तो रात तो हमें बस 1 या 2 गाड़ी मिली, 1-2 चेक पोस्ट पे भी हम लोग रुके। सो अभी कुछ चाय वाय लेते हैं यहाँ से फिर चलते हैं, ठीक है? हम लोग 4 किलोमीटर है बस हर्षिल से, और रास्ते में हमें इतना प्यारा वाटरफॉल मिला, देख लो आप किस तरह मतलब कितने प्रेशर से पानी बह रहा है। और अभी मैंने जस्ट हुड डाला है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ठंड लग रही है, सो हुड निकाल लिया मैंने। और टाइम हो रहा है सुबह के 6:30, सो बहुत प्यारा नज़ारा मिला सुबह सुबह। अब मैं चलाऊंगा क्रेटा क्योंकि मैं कल से थार चला रहा हूँ, सो थोड़ा एक्सपीरियंस करेंगे थार दर करिए। चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन की ओर जल्दी से। गाइस फुल देख लो आप, पूरा लोहे का बना हुआ है, आवाज इतनी आ रही है इसमें कि मुझे गाड़ी निकालते हुए घबराहट हो रही है। ये हमारा भाई शूट कर रहा है यहाँ, नजारे देखो यार। तुम्हें पता है मैं हर बार यहाँ पहाड़ों में ही क्यों सफर करता हूँ? क्योंकि पहाड़ मुझे पहचानते हैं, मुझे पुकारते हैं। मैं जब भी यहाँ आता हूँ मुझे अपनापन महसूस होता है। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं हर्षिल और टाइम हो रहा है सुबह के 10:15। हालत ख़राब हो गई, थक गया क्योंकि सो नहीं है बिल्कुल भी, बाकी पानी की आवाज़ आपको आई रही होगी। तो अभी यहाँ पे स्टे का अरेंजमेंट करना है हमें, तो पहले हम लोग स्टे देखेंगे उसके बाद ही डिसाइड करेंगे क्या करना है, ठीक है?
तो यहाँ प्रॉब्लम ये हो रही है कि रूम्स अवेलेबल नहीं है, जो अवेलेबल है वो हमें पसंद नहीं आ रहे हैं। तो अभी देखते हैं क्या करते हैं। फ़िलहाल टाइम हो गया है 11:10, सो लेट्स सी।